हेलो, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार 19 नवंबर और अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। 3:33 मतलब 3:33। और मैं जस्ट अभी दोपहर का थोड़ा सा आराम करके मैं जगी हूँ। सुबह से आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, सोचा कि दोपहर से शुरू करूँगी तो अपडेट दे देती हूँ आपको सारा। गुड्डू एज यूजुअल स्कूल से आकर सो गया है। आज उसके स्कूल में फैंसी ड्रेस पार्टी थी, तो वो कार्टून कैरेक्टर के थीम पर, तो वो लिटिल सिंघम बना था, तो उसका पिक मैं यहाँ यहाँ कहीं भी आपको लगा के दिखा दूँगी। और त्रुही की एग्ज़ाम आज से शुरू हो रही है, शुरू हो गई है। उसका 2:30 बजे का पेपर था, तो वो कॉलेज जा चुकी है। और हस्बैंड एज यूजुअल अपने काम पर है। और आज सुबह मैंने लंच में, आज मुझे टिफिन भी नहीं भेजना था मेरे इन लॉज के वहाँ, तो आज मैंने कैबेज का जो संभारा होता है वो कच्चा जैसा और सब्जी जैसी कच्ची वो बनाया था। रोटी और टमाटर और प्याज का कचुंबर बस ऐसे ही बनाया था, क्योंकि कल जो डोसा बनाया था काफ़ी हैवी था, तो पेट वैसे भी थोड़ा हैवी हो रखा था, तो सोचा कि लाइटली बना देती हूँ। सुबह लंच में बस ये खाना बनाया था। और आज पता है सुबह से हमारे यहाँ बिल्कुल धूप नहीं निकली है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी दोपहर के, मैंने बताया 3:30 बजे हैं, लेकिन धूप का कहीं भी नाम नहीं है। और मेरे कपड़े मशीन में धुले होने के बाद भी थोड़े बहुत सूखे नहीं है, तो मैंने अभी भी उन्हें बाहर ही रखा है। मेरे जो वॉश एरिया है बाहर वहाँ, और जस्ट अभी मेरी जो हाउस हेल्पर है वो दोपहर के बर्तन साफ करके गई है, तो मैं उठी तब वो जा चुकी थी, तो मेरे बर्तन भी बाहर पड़े हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल है, जो बादल जब छटेंगे तो ठंड पड़ेगी। और थोड़ी थोड़ी ठंड तो शुरू हो गई है, रात को अब हमें पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हमारे यहाँ जो मेरे जो सिटी है पाटन, वो राजस्थान से नज़दीक उसे माना जाता है, आप मैप के ज़रिए देखें तो ऐसा कहा जाता है, वैसे बहुत डिस्टेंस है। तो यहाँ मेरे शहर में वो जो ये जो पूरा जो नॉर्थ गुजरात जो एरिया है वहाँ जो मेरा सिटी है, कहते हैं कि यहाँ मैं कई बार सोचती रहती हूँ कि मैं रोज़ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो क्या टॉपिक लूँ, क्या लूँ, क्योंकि और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस में तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के रिव्यूज़ या उनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट की जो सेल लगी रहती है उन सब में, वो सब की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। मेरे ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, तो शायद आप लोग बोर भी हो जाते होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्या बोर हो जाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर बोर हो जाते हैं तो सॉरी, मैं हो सकता है उतना मैं ट्राई करती हूँ मेरे ब्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन शायद मैं मेरी मदर टंग गुजराती है तो वो हिंदी का जो मीठा जो लहजा है वो शायद मेरी लैंग्वेज में नहीं आ पाता, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मेरा ब्लॉग दूसरी दूसरे ब्लॉग या दूसरी चैनल से थोड़ा आपको अलग दिखे। और बाकी कोई ऐसा सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने वीडियोस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, मुझे सजेस्ट कीजिएगा। आप लोग मेरी फैमिली जैसे हैं, मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चाय बनाना। Thank you.
फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजे और त्रुही अपनी कॉलेज से एग्ज़ाम देकर वापस आ चुकी है। उसका आज का पेपर बहुत अच्छा गया, इकोनॉमिक्स का पेपर था आज। और आज डिनर में बनने वाला है मेथी के पराठे। आप लोग हिंदी में पराठे बोलते हैं लेकिन हम गुजराती में इसे मेथी ना ढेबरा कहते हैं। तो ये ढेबरा जो होता है वो बाजरे के आटे में बनता है और गेहूं के आटे में भी बनता है। फिलहाल मेरे पास अभी बाजरे का आटा नहीं है तो मैं आपके साथ गेहूं के आटे में बनाकर ये रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है, आसान है। हाँ, थोड़ी मेथी जो सर्व करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो मैं वो मेथी सर्व कर मैं आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फेस पर ये लिपा पोती क्या की है, तो मैं अपनी दूसरी चैनल पर वीडियो बना रही थी ब्यूटी का, इसलिए मैंने ये थोड़ा अपना अलग सा रूप धारण किया है। तो चलिए मिलते हैं मेथी को साफ करने के बाद। ये मैंने मेथी साफ कर ली है और ये धनिया साफ कर दिया है। मैं थोड़ी मेथी के साथ थोड़ा धनिया भी डालती हूँ क्योंकि हमारे घर में मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बच्चे भी धनिया को पसंद नहीं किया जाता है, तो मैं इस तरह से उनको धनिया खिला देती हूँ। तो अब बस इन्हें धोकर मैं आटा गूंद रही हूँ। यहाँ मैंने मेथी और धनिया को धोकर अंदर का पानी निकाल लिया है। ये लहसुन और मिर्च मैंने पीस कर कूट कर रखी है। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी और अब मैं थोड़ा दही डालूंगी। दही खट्टेपन के लिए मैं डाल रही हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है इसमें। फिर थोड़ी सी शक्कर डालूंगी मैं इसके बाद। अब मैं शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। आपके घर में जितना मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी। सारा मसाला हम मेथी में ही कर देंगे। इसके बाद मैं ये आटा डाल रही हूँ। आप चाहे तो आटे में भी मेथी डाल सकते हैं लेकिन इससे हमें मेजरमेंट रहता है कि आटा कितना गीला हुआ है या हमें कितना आटा चाहिए। अब आटे और मेथी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और फिर मैं हल्दी डालूंगी और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसमें थोड़ा सा तेल और डालकर पानी से मैं आटे को गूंद लूँगी। वो जिसमें मैंने मिर्च लहसुन और मिर्च को कूटा था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि अंदर जो भी कुछ चिपका हुआ हो वो इसमें आ जाए और कोई वेस्टेज ना हो। कि हमारा आटा गूंद कर रेडी हो चुका है और अब मैं ये साथ में जो गेहूं के आटे का ही अटामण बोलते हैं उसको वो लेकर मैं ये ढेबरे को बेल लूँगी, ये देखिए। और अब मैं तवी पर थोड़ा सा तेल लगाकर हमें दो तरफ से इसे सेक देना है, धीमी आंच पर सेकना है ताकि इसमें ये जल ना जाए, चिपक ना जाए और ज़्यादा उस पर काले स्पॉट्स ना आए। ये देखिए हमारा एक तरफ से ये सिक चुका है। अब मैं थोड़ा सा तेल डालकर इसे दूसरी तरफ से भी हम सेक लेंगे, जिस तरह से हम भाखरी करते हैं और परोठा करते उसी तरह से इसे करना है। आपको इसे घी में नहीं बनाना है, आप चाहे तो उस पर घी लगाकर बाद में खा सकते हैं। ये देखिए हमारा ढेबरा रेडी हो चुका है। आप इसे मीठे दही के साथ, पंजाबी दही के साथ, अचार के साथ, मिर्ची के अचार के साथ, बहुत सारे वेरिएशन है। हाँ, अच्छा लगा। सूखा लहसुन लिया है, आप चाहे तो विंटर में जो हरा लहसुन आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मेथी का जो ढेबरा मैंने बनाया है, गुजराती आइटम जिसे बोलते हैं वो? अगर आप बाजरे का आटा लेंगे तो इसका कलर थोड़ा ब्राउन टाइप होगा और आपको प्लास्टिक का कोई बैग लेकर इसको बेलना पड़ेगा, क्योंकि बाजरे का आटा है वो ज़्यादा मतलब जल्दी से ढीला हो जाता है और बेलने में हमें तकलीफ होती है बिना प्लास्टिक की बैग के। इसलिए मैं इन्हें आज ये गेहूं का आटा लिया है और उससे मैंने जो ढेबरा बनाया है वो, इसलिए मुझे प्लास्टिक की बैग नहीं लेनी पड़ी। अगर आप कभी बाजरे के आटे के साथ ले तो पापड़ की जो हम जो घर में पापड़ लाते हैं उस पर जो प्लास्टिक की जो उसका कवर होता है उससे आप मतलब बाजरे के आटे के लोहे पे रख कर उसे बेल सकते हैं, उससे आपको आसानी होगी। वरना आपके घर में जो
दूध आता है, मतलब जो अमूल या कुछ भी आप जो पेस्टराइज मिल्क लाते हैं उसकी जो बैग है उसको आप धोकर भी काट कर उल्टा कर कर उसमें आप बेल सकते हैं, वो भी आसान रहेगा। कभी मैं आपसे बाजरे के आटे का भी रेसिपी शेयर करूँगी। और मैंने इसमें शक्कर ली है, आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ अपने आप में पानी कभी कभी छोड़ देता है, इसलिए मैंने शक्कर डाली हुई है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी रही है। ठीक है, और अभी 7:30 बज रहे हैं और अब मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, और भूलिएगा मत मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।